नमस्ते, सलाम वालेकुम। दिस इज़ वॉरियर एकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू। और मैं हूँ आपका अपना सिद्धार्थ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट सेकेंड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट वन, और सॉरी बोलना चाहूँगा कि इस पार्ट को आने में थोड़ा सा डिले हो गया है ना। तो जो पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किए थे वो टॉपिक है चार्ज, फोर्स बिटवीन चार्जेस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर, रेजिस्टेंस फैक्टर, ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। तो दोस्तों, जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ टॉपिक्स विद न्यूमेरिकल्स है ना। तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि इन टॉपिक में केवल थ्योरी है तो वो गलत है। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते जा रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं है ना, या आपके कज़िन हो, ब्रदर एंड सिस्टर्स हो, उनको भी शेयर कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब जो हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो है ओम्स लॉ। ओ तेरी, ओम बाबा का लो। ओ हो, क्या प्यारा लो है भाई, इतना इजी लो तो कभी हो ही नहीं सकता। सबसे इजी टॉपिक है भाई चैप्टर का। तो भाई ओम बाबा जो थे उन्होंने सिंपल सा लॉजिक दिया दो लोगों के बीच में। अब वो दो लोग कौन से थे अब बता दो, वी और आई। वी और आई क्या था भाई, वी जो था पोटेंशियल था, आई जो था भाई करंट था, लो बता दिया। तो भाई अब रिलेशन भी बता दो। तो रिलेशन तो सिंपल सा है कि जब V जो है थप्पड़ मारेगा I पे तो I भी उसको थप्पड़ मारेगा। तो भाई सिंपल सा अगर हम बात करें साइंटिफिक लैंग्वेज में तो वो तो बहुत इजी है। तो V जो इंक्रीज़ होगा तो I भी इंक्रीज़ होगा, और V जो डिक्रीज़ होगा तो I भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट के रूल पे चला है ये। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इन कंडक्टर इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कॉन्स्टेंट। तो अब ये कंडीशंस क्या हो गई भाई, कंडीशन तो सिंपल सी है कि जब भाई अपने दोस्त को मनाना हो या अपने दोस्त को दोस्ती रखनी हो तो वो दोस्त जो है वो तभी रहेगा जब आप उसको बराबर टाइम दोगे, ठीक है, अटेंशन दोगे, तब तक रहेगा आपका दोस्त है ना। तो ये जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि अब कंडक्टर के लिए फिजिकल कंडीशन क्या हो गई, टेम्परेचर प्रेशर है ना। तो ये जो कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। उस टाइम पर वी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो साहब ये सिंपल सी कहानी हमने देख ली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी को देखने के लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम डायग्राम के लिए क्या बोलेंगे भाई, भगवान से प्रार्थना कर लो आप सब। अब देखो यार, मेरे कहने से तो प्रकट होने से रहा, लेकिन तुम जो हो भगवान के क्या कहते हैं, बच्चे जो होते हैं भगवान की, वो होती है क्या होती भाई, परछाई। तो भगवान की परछाई हो तुम सब बच्चे। तो तुम प्रे करोगे तो क्या पता डायग्राम भी आ जाएगा, और तुम्हारे मानने से तो सब कुछ मान लिया जाता है, माना कि कंसीडर लेट है ना। तो भाई कंसीडर कर लिया हमने पोटेंशियल वी, ठीक है, जो कि किसी कंडक्टर पे अप्लाइड हो रहा है, और करंट जो है उसमें आई फ्लो हो रहा है। तो कंसीडर इफ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, तो हमने सिंपल सा एक डायग्राम देखा जिस पे प्लस और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। अब क्या हुआ, कंडक्टर के टू टर्मिनल्स थे जिसपे एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। तो भाई सिंपल सी बात हो गई ये। तो अब पोटेंशियल अप्लाइड करने पे क्या हो गया भाई, पोटेंशियल अप्लाइड करने पे जो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो बढ़ गई। अब यार स्पीड जो है वो अपने आप तो ना बढ़ती है ना, कोई जादू से तो बढ़ेगी नहीं। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ क्या करेगा, मूव करेगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव की तरफ। साथ साथ में जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, भाई सेम चार्जेस है तो रिपेल करेगा, उधर पॉजिटिव चार्ज है
और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, जबकि जो करंट है वो फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई ओम्स लॉ का, यानी कि ओम बाबा का। तो अब भाई थ्योरी तो इतनी पढ़ ली हमने, डायग्राम भी देख लिया, जो सबसे आपको पसंद आती है वो चीज़ जो कि आप एग्ज़ाम में लिखना भी पसंद करते हो, सर का भक्त भी कह जाते हो, सर इतनी थ्योरी लिखना ज़रूरी है क्या सर एग्ज़ाम में हैं? तो अब देख लें भाई आपके काम की चीज़, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वी इज़ प्रपोर्शनल टू आई। तो भाई प्रपोर्शनल का जब भी सिंबल हटता है तो हर बच्चे को पता रहता है ये, तो प्रपोर्शनल हटेगा तो सर इक्वल टू और कॉन्स्टेंट आ जाएगा, है ना? तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ गया R, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास बन गया V इक्वल टू आई आर। V जो है वो पोटेंशियल हो गया, I जो है वो करंट हो गया, और R जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो गया। तो ऐसा यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम, है ना? और V और I का ऐसा यूनिट हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें डिस्कस कर लिया, जो था वोल्ट और एम्पियर। ओके, तो अब हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, V जो है वो 150 वोल्ट है, यानी एक्सटर्नल सोर्स हमने अप्लाई किया 150 वोल्ट, एंड जो यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है वो 5 एम्पियर हो रहा है। तो भाई R निकाल लो, क्या कस है भाई R का जो आप उसको निकाल नहीं रहे हो? इतना सिंपल सा फॉर्मूला है ओम्स लॉ से। तो R इक्वल टू हो गया V अपॉन I, V की वैल्यू 150 अपॉन 5। अब इतना इजी सा फ्रैक्शन तुमसे सोल्व नहीं होता यार, वो भी अब मुझे ही करना पड़ रहा है। तो ये R इक्वल टू हो गया 30 ओम। अब ओम क्यों आया? क्योंकि रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो ओम होता है। तो ये कहानी थी भाई ओम बाबा की, ये रामायण आपने पूरी कर ली ओम बाबा की। अब आपको कभी भी कोई फॉर्मूला पूछे, 3 वेरिएबल्स आर गिवन है, 2 अननोन होंगे, ठीक है, ऐसा कभी होगा क्या? 1 अननोन होगा और 2 जो होंगे वो नोन होंगे, ठीक है, आई बात समझ में? अब सर कुछ भी गलत बोलेंगे तो तुम सुन लोगे क्या? अच्छा, सुन तो सकते ही हो, बोल तो ना सकते तुम मुझे, क्यों भाई वीडियो देख रहे हो? ठीक है, तो आज के लिए अभी ये जो टॉपिक हुआ ओम्स लॉ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब जो न्यू टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर। ये न्यू टॉपिक है जिसमें हम 3 केस देखेंगे। फर्स्ट केस देखेंगे रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, सेकंड केस देखेंगे रिलेशन बिटवीन वी एंड आर, और थर्ड केस देखेंगे रिलेशन बिटवीन आई एंड आर। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, जहाँ पे आर जो है वो कॉन्स्टेंट होगा। तो हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या है, वी इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास ओम्स लॉ है, जहाँ पे हमने कहा केस फर्स्ट के अंदर आर जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आई। तो कॉन्स्टेंट और इक्वल हटेगा तो अभी जस्ट बताया हमने प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू आई आपके पास आ जाएगा। दैट मीन्स ये सिंपल सा रिलेशन है कि V को इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज होगा, और V को डिक्रीज करेंगे तो I भी डिक्रीज होगा। तो कि जैसे अभी हमने देखा कि अगर आपका रेजिस्टेंस यानी कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो है वो कॉन्स्टेंट है, रेजिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन से उनकी स्पीड इंक्रीज होगी, जिसकी स्पीड इंक्रीज होने से करंट का जो है फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूँ वो हर एक ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल लेना चाहिए, एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल लेना चाहिए, और रेजिस्टेंस क्या लेना चाहिए। तो बेटा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास 3 वेरिएबल्स आते हैं, LHS में एक वेरिएबल आएगा कॉन्स्टेंट आएगा, और RHS में एक वेरिएबल आएगा। तो RHS में जो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होगा वो हमेशा X एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और LHS में जो वेरिएबल होगा वो Y एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो ऑलवेज स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे क्या है, V इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I, तो यानी कि V जो है वो Y एक्सिस पे आएगा और I जो है वो X एक्सिस पे आएगा, तो स्लोप ऑफ कर्व जो है वो कांस्टेंट होगा, इट मींस रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे कि आप ग्राफ में भी देख रहे हो y एक्सिस पे कौन है पोटेंशियल है ना, x एक्सिस पे कौन है करंट है, और स्लोप ऑफ कर्व क्या है रेजिस्टेंस है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड केस हम देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन v एंड r, जहाँ पे अब थर्ड जो वेरिएबल होगा यानी कि करंट वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना? तो फ्रॉम ओम्स लॉ, अगेन ओम्स लॉ सिंपल सा है, v इक्वल टू आई आर, जहाँ पे इस बार कॉन्स्टेंट कौन है करंट, तो अब इक्वेशन क्या आ गई, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आर, कॉन्स्टेंट और इक्वल अगेन हटा दो, प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, यानी कि V और R के बीच में भी सिंपल सा रिलेशन है कि V को इंक्रीज करेंगे तो R इंक्रीज होगा, V को डिक्रीज करेंगे तो R डिक्रीज होगा, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे जो करंट है वो कॉन्स्टेंट होगा, है ना? अब हम V को इंक्रीज करते हैं कि V को भाई
यानी कि वी को इंक्रीज कैसे करोगे, जो बैटरी के थ्रू पोटेंशियल अप्लाइड हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की आपने कैपेसिटी को बढ़ा दिया, यानी कि 5 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट किया। अब वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो रहा है टर्मिनल पर, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई स्पीड में क्या करेंगे, मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ। लेकिन इस स्पीड के साथ अगर वो मूव करते हैं, दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ कॉलिजन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज होने से स्पीड इंक्रीज हुई इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और सिमिलर एज इट इज डिक्रीज भी हो सकता है कि 5 वोल्ट की जगह अगर आप 2 वोल्ट लेते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलिजन कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ये एक ही कंडीशन पे जब आपका करंट जो है वो कांस्टेंट हो सर्किट में। अब सिंपल सा रूल हमने देखा था कि जो कांस्टेंट है वो हमेशा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना, और जो LHS में होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस को, यानी कि R को। तो वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पे है रेजिस्टेंस, एंड स्लोप ऑफ कर्व जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी और करंट, यानी कि I। अब हम थर्ड केस देखते हैं, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, जहाँ पे वी जो है वो कांस्टेंट होगा, अगेन ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर, कांस्टेंट इक्वल टू होगा आई इंटू आर। अब कांस्टेंट LHS में, तो जैसे कि हमने कहा था कि कांस्टेंट से कोई ना कोई वेरिएबल इंटू होगा, तो उस वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई को हम क्या करेंगे उधर लेके जाएंगे, तो अपॉन में आएगा। अब इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा दो तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, दैट मीन्स आर इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी R इंक्रीज होगा तो I डिक्रीज होगा, R डिक्रीज होगा तो I इंक्रीज होगा। कैसे, सोचो R इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और R डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन भी डिक्रीज होगा, जिससे I जो है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगेन कॉन्स्टेंट के साथ कौन है, I, दैट मीन्स जो करंट है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे कौन है, रेजिस्टेंस है ना, तो आर जो है वाई एक्सिस पे आ जाएगा, और स्लोप ऑफ कर्व जो है वो होगा आपका वी, ठीक है, जो कि पोटेंशियल होगा। तो ये सिंपल से 3 केस थे, यानी कि रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर में सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था आपका। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, अब हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस। तो पहले हम समझते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो पोटेंशियल मींस कि हम कंडक्टर पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं। तो कंडक्टर पे एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराने पर क्या होगा, तो प्रोवाइड करवाने पर ये हो रहा है कि वहाँ पर जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो होता है। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो इनके बीच में नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब लार्ज नंबर में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा कॉलिजन। इस कॉलिजन की वजह से ही आपका फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो अपोज होता है, जिससे करंट जो है वो कम फ्लो होगा, यानी कि कहीं ना कहीं करंट के फ्लो होने में भी अपोज होगा, ठीक है, और ये ही आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। तो अब रेजिस्टेंस सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच इज़ अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो ये सिंपल सा आपका डेफिनेशन हो गया। तो अब हम एक डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में हमने एक पोटेंशियल अप्लाई करवाया वी अक्रॉस द कंडक्टर, जहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लिए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं, लेकिन उसके फ्लो होने से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, जिससे आपका करंट जो है, करंट की जो स्पीड है वो अपोज हो रही है। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे सिंपल सा रेजिस्टेंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कि आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई, है ना। तो यानी कि यहाँ पे एक और डेफिनेशन बन सकती है कि आर जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। ऐसा यूनिट जो होगा रेजिस्टेंस का वो होगा ओम। अब हम यहाँ पे 1 ओम की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी 1 ओम की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि डिफाइन 1 ओम।
तो 1 ओम सिंपल सा होता है, 1 ओम इक्वल टू होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इट मीन्स 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, देन द 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। तो ये 1 ओम का डेफिनेशन हो गया। और हमने डेफिनेशन क्या बताया था रेजिस्टेंस का, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये था आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ते हैं। ओके, अब हम स्टडी कर रहे हैं फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। हम यहाँ पे 3 पार्ट्स देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, दिस इज इक्वेशन 1। यानी कि आर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और लेंथ जो है कंडक्टर की वो डिक्रीज होने पे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास डायग्राम में 2 कंडक्टर्स हैं जिसकी लेंथ L1 है और L2 है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया जो L1 है इट इज़ ग्रेटर देन L2। इट मीन्स अगर लेंथ इंक्रीज होने पे नंबर ऑफ कॉलिजन भी इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और लेंथ जिसका कम होता है उसमें नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज और डिक्रीज होने पे क्या इफेक्ट आएगा, जहाँ पे इंक्रीज होगा नंबर ऑफ कॉलिजन वहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलिजन कम होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम होगा। इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब लेंथ इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, और लेंथ अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई होता है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। तो अब सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/A एंड दिस इज इक्वेशन 2। इसको भी हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 2 कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। पहले वाले डायग्राम में हमने क्या किया था, लेंथ को चेंज किया लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर हम लेंथ सेम ले रहे हैं लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अलग अलग है, यानी कि A1 एंड A2। इस टाइम पे हमने फर्स्ट वाले कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम लिया और सेकेंड वाला कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो मोर देन है कम्पेयर टू फर्स्ट कंडक्टर। इट मीन्स वी कैन से A1 इज लेस देन A2। तो एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होने पे क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर एरिया डिक्रीज है तो नंबर ऑफ कॉलिजन जो है फर्स्ट कंडक्टर में वो ज़्यादा हो रहे हैं कम्पेयर टू सेकेंड कंडक्टर। तो नंबर ऑफ कॉलिजन फर्स्ट कंडक्टर में ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा कम्पेयर टू सेकेंड कंडक्टर। इट मीन्स R1 इज ग्रेटर देन R2। तो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहा कि जिसका एरिया कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका एरिया ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। इन शॉर्ट R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है। तो यानी कि ये अब हम डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में आपको कॉलिजन दिख रहा होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा इक्वल आ जाएगा, देन R इक्वल टू ρ L/A। तो यहाँ पे जो रो है इट इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, R आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो अब रो के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। रो रेजिस्टिविटी है, जैसे कि हम क्या बात करें किसी भी मटेरियल की या सब्सटेंस जो होता है उसका डेंसिटी सेम रहता है। अगर आप 1 kg लोगे तो उसका डेंसिटी भी सेम रहेगा, यानी कि 1 kg आइस का डेंसिटी भी सेम रहेगा और 100 kg आइस का भी डेंसिटी सेम रहेगा। तो उसी तरह अगर हम मटेरियल की बात करें, मटेरियल किसी भी लेंथ का हो, किसी भी एरिया का हो, किसी की साइज़ और शेप का हो, सेम मटेरियल का डेंसिटी सेम ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा मटेरियल का कांस्टेंट रहता है ना। और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जो कि फिक्स होगा हमेशा उस मटेरियल के लिए, उस कंडक्टर के लिए। थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर। मेटल के लिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे किस तरह से रिएक्ट करता है, कि अगर हम किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, जबकि मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में इसका अपोजिट होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है।
सेमीकंडक्टर में इसका अपोजिट होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें केवल मेटल के लिए याद रखना है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं इट मीन्स रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा, है ना। और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड शेयर इट। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो बना सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच।